IPL 2019 में आपकी फेवरेट टीम्स, प्लेयर्स और सभी मैच के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सोमवार को खेले गए मुकाबले में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के पारी के 16वें ओवर में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद वेल्स से टकराई, लेकिन वेल्स गिरी नहीं। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की पारी का 16वां ओवर फेंका जा रहा था। गेंदबाज थे जोफ्रा आर्चर। उस वक्त दिल्ली ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 151 रन बना लिए थे और दिल्ली को जीत के लिए 25 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी छोड़ पर पृथ्वी शो खेल रहे थे। इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने 150 km/h की रफ्तार से ओवर का आखिरी गेंद डाला और वो स्टंप को छूकर निकल गई, जिसके बाद वेल्स की बत्ती तो जली लेकिन वेल्स गिरी नहीं। इससे पहले इसी मैदान पर राजस्थान के गेंदबाज धवल कुलकर्णी की गेंद स्टंप पर लगी थी लेकिन वेल्स नहीं गिरी थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।